गुड आफ्टरनून प्रेप गुरु के ऑफलाइन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज के यूनिवर्सिटी एग्जाम के बदलते हुए परिदृश्य में हम जो हमारे बच्चे हैं वो किस प्रकार से तैयारी करें और कैसे सीयूटी का एग्जाम क्लियर करें, इन सभी चीज़ों पे चर्चाओं के बाद हम एक सेशन लेके आ रहे हैं जो सेक्शन थर्ड कहा जा सकता है, जिसे मैथ्स पे चर्चा करेंगे, यानी गणित जो कि एक सिंपल सब्जेक्ट है, भारत का सबसे सरल सब्जेक्ट कहा जाता है। तो इसी पे हमें चर्चा करनी है कि वहाँ जब हम एग्जाम नेशनल हॉल में जब होते हैं तो वहाँ पे जब मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं या रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं तो किस प्रकार से हमें समस्याएं आती हैं, उन सभी समस्याओं को दरकिनार करते हुए, यानी कैसे हम उनको वहाँ पे फेस करेंगे, कैसे क्वेश्चन को देखते ही आंसर बता देंगे, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट यदि हमारा क्लियर होता है, यदि मैथ का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है तो सारी की सारी चीज़ें हमारी क्या हो जाती हैं, सॉल्व हो जाती हैं। तो आते हैं जो कि सीयूटी एग्जाम में सेक्शन 3 में आपका मैथ्स रीजनिंग का जो पार्ट है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ्स पे। मैथ्स की चर्चा जब हम करते हैं, यानी मैथ्स यानी गणित की जब हम बात करते हैं तो उसे हम 3 तरीके से सीखते हैं, यानी सीखने का कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं हमारे सीखने के। पहला टाइप हमारा होता है, सारे स्टूडेंट हमारे कर लेते हैं, जो कि डिस्क्रिप्टिव मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है? डिस्क्रिप्टिव मेथड, ठीक है। सेकेंड जो हमारा टाइप होता है, दूसरा जो हमारा भाग होता है वो हमारा होता है ट्रिक, ठीक है, यानी फार्मूला बेस्ड इसको कहा जाता है कि सारे क्वेश्चन जो भी अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग जो हमारे प्रश्न आते हैं उन सभी प्रश्नों पर हमारा क्या होता है, अलग अलग फार्मूला अप्लाई होता है, ठीक। तो एक तो हो गया कि डिस्क्रिप्टिव मेथड, डिस्क्रिप्टिव बोले तो LHS बराबर RHS, यानी यहाँ से लगाना शुरू किया, यहाँ पे ख़त्म किया, तो इतना समय हमारे पास नहीं होता, ठीक है हमारे पास। अब दूसरा जो हमारा तरीका आया वो हमारा सेक्शन क्या आया, ट्रिक का, ठीक है। ट्रिक की बात आई, ट्रिक का मीन्स क्या हुआ कि हर प्रश्न पर, यानी एक क्वेश्चन पर दूसरी ट्रिक लगेगी, दूसरे क्वेश्चन पे दूसरी ट्रिक लगेगी, इसीलिए इसके बाद भी जो एक हमारा तीसरा तरीका सीखने का होता है वो बच्चे होता है कॉन्सेप्ट का होता है। किसका होता है? कॉन्सेप्ट का। अब बात करते हैं कि ट्रिक, डिस्क्रिप्टिव और कॉन्सेप्ट में अंतर क्या होते हैं। इन सभी चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हम आपको मैथ्स की 1-to-1 0-to-top क्लासें प्रोवाइड करेंगे। चलिए देखते हैं वो किस प्रकार से होंगी। ओके, आते हैं। सबसे पहले हम आते हैं एक छोटे से टॉपिक को लेके, जो कि यहां पे हम लिखते हैं जैसे नंबर सिस्टम। हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो जानेंगे इसको, संख्या पद्धति। ठीक है, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। जब नंबर की बात करते हैं कि नंबर हमारे पास कितने होते हैं तो सारा बच्चा कहेगा सर 0-to-9, ठीक है। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी टोटल नंबर हुए हमारे 10। कौन कौन से हुए? 0-to-9, ओके। फिर क्योंकि हम लोगों ने पढ़ना कहाँ से शुरू किया है? 0 से शुरू किया है। किसी भी सब्जेक्ट की यदि हम शुरुआत करते हैं तो 0 से करते हैं। अब नंबर्स की बात हम जान गए तो हमारे सामने एक प्रश्न और आता है सर कि नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप ऑफ नंबर, यहां पे जब टाइप्स ऑफ नंबर की बात आई तो एक प्रश्न हमारे दिमाग में तुरंत आ गया कि सर सबसे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा है, जो हमारी बुक्स में है, जो आज तक हम लोगों को सिखाया गया है, वह है सबसे पहले बताया जाता है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। लेकिन नहीं, हम यहां पर सीखेंगे सबसे पहले नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि हमारे सामने क्या होता है कि हमें
कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ना है, यानी हम जहाँ से शुरुआत करते हैं और जिस तरीके से हम पढ़ना शुरू करते हैं कि चीज़ें हमारी वन टू वन क्लियर होती चली जाए। यानी कहा जा सकता है कि हम प्रेप गुरु के इस जिस प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म पे जब एक घंटे की आपकी क्लास कंप्लीट होती है या जो भी सेशन एक घंटे दो घंटे डेढ़ घंटे का होता है, वह सेशन जब कंप्लीट होता है तो उसके बाद जितना हमारा अध्यापक पढ़ाता है, हम लोग जितना यहाँ से डिस्कस करते हैं, वो पूरा का पूरा आपका क्लियर हो जाना चाहिए। इसलिए सबसे पहले रियल नंबर ना पढ़ के, रियल नंबर पढ़ेंगे आज ही पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर। क्या पढ़ेंगे? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हिंदी में बोले तो प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, ठीक है? हिंदी में बोले तो प्राकृतिक संख्या, इंग्लिश में बोले तो नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी एनी काउंटेबल नंबर आर नेचुरल नंबर। इंग्लिश वाला बच्चा हमारा कहेगा, इंग्लिश वाला बच्चा कहेगा एनी काउंटेबल नंबर आर नेचुरल नंबर। हिंदी वाला बच्चा कहेगा गणित भाषा में प्रयोग की जाने वाली ऐसी संख्या जिसे हम गिन सकते हैं, ठीक। जो इंग्लिश वाला बच्चा रहेगा वो कहेगा एनी काउंटेबल नंबर आर नेचुरल नंबर, यानी जो भी चीजें काउंट हो जा रही हैं, जो भी चीजें क्या होती हैं काउंट होती हैं, वो क्या होती है नेचुरल होती है। जैसे कि एक आम दे दो, दो अमरूद दे दो, तो ये सब सारी काउंटेबल है, ठीक है। लेकिन एक पानी दे दो ऐसा नहीं होता ना, इसलिए वो नेचुरल के अंदर नहीं आएगा। एक बोतल पानी आएगा, लेकिन एक पानी दे दो, दो पानी दे दो ऐसा नहीं होता, राइट। तो कहा जाता है एनी काउंटेबल नंबर आर नेचुरल नंबर। हिंदी वाला बच्चा बोलेगा गणित भाषा में प्रयोग की जाने वाली ऐसी संख्या जिसे हम गिन सकते हैं उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में डालेंगे 1 2 3 4 5 6 etc, राइट।